नमस्कार दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई साहब कल की मूवी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कल की मूवी की कल जो है वो रिलीज डेट अनाउंस हुई थी न्यू, और उसी के साथ एक हमको न्यू पोस्टर देखने को मिला था कल की का। अब उसी पोस्टर को देखने के बाद भाई साहब हर कोई जो है वो मतलब कि कल की मूवी को ड्यून मूवी की कॉपी बता रहा है। अब जवाब देते हैं उनको, लेकिन उनसे पहले आप जो कि नागी का खुद का आंसर सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। The project के सेम लाइक ड्यून, हॉलीवुड ड्यून मूवी, द थीम एंड द आर्टवर्क ऑफ द बिकॉज ऑफ द सैंड ही जस्ट सेड नो, ही सेड सैंड इज देयर नो, बेसिकली वेयर एवर द सैंड इट लुक लाइक दिस लुक लाइक ड्यून। यस सर, थैंक यू सर। दोस्तों, नाग अश्विन ने बोला है कि कल की मूवी कोई भी ड्यून की कॉपी नहीं है, क्योंकि ड्यून मूवी की कॉपी आपको लग रही है सिर्फ और सिर्फ सैंड की वजह से। क्योंकि हर मूवी के अंदर जिसके अंदर भी सैंड होती है, उसको अगर आप ड्यून मूवी की कॉपी बोलेंगे तो भाई ऐसा नहीं चलने वाला। ऊपर से भाई साहब भारत के अंदर इतनी बड़े लेवल के बजट के अंदर बनने वाली कल की कि जो हाइप क्रेज है उसको देखने के बाद अगर आप देखें तो हेटर्स भी कहीं ना कहीं होंगे। अब जो लग रहा है कि भाई अब जो आने वाली मूवीज हैं, प्रभास नकी राजा साहब हो गई, सलार 2 हो गई या फिर स्प्रिट हो गई, तो हर एक मूवी के साथ के बहुत ही बड़े लेवल की ट्रॉलिंग आने वाली है। क्योंकि अब यहाँ पर भाई साहब प्रभास अन्ना का जितना नाम है, जिस लेवल से जो क्रेज है, उसके साथ साथ जो कि हेटर्स भी तो होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो भाई कल की मूवी प्योर जो कि स्टोरी होने वाली, जो कि भाई साहब हिंदू देवता के अंदर जो इन फ्यूचर के अंदर आने वाले कल की देव है उनके ऊपर बनाई गई मूवी है, और उनको प्रभास अन्ना प्ले करने वाले। तो इस वजह से जो कल की मूवी की जो स्टोरी है वो कहीं भी किसी मूवी से जो कि नई कॉपी की गई है। बाकी यहाँ पर जिसको ये लगता है कि कल की जो है वो ड्यून मूवी की कॉपी है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई अश्वधामा कहाँ था ड्यून के अंदर, क्योंकि अश्वधामा तो महाभारत से आ रहा है और उसी चीज को जो कि यहाँ पर कंबाइन किया जाने वाला है। अगर आपने भाई साहब कल की मूवी के अंदर श्री अमिताभ बच्चन जी का इंट्रो एज ए अश्वधामा देखा होगा और आपके अंदर जरा सा भी नॉलेज या फिर हम बोल सकते हैं IQ होगा, तो आप कभी भी कल की को जो है वो नहीं बोलेंगे कि ड्यून की कॉपी है। कल की मूवी एक जो कि हिंदू मान्यता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली बहुत ही बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल मूवी है, और नागी इस बार इस मूवी के अंदर बहुत बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे और प्रभास अन्ना तबाही मचाने वाला काम करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप हाइप को देखें कल की तो वो भाई ऑन द टॉप चल रही है। अब आपका मेरे इस ओपिनियन के बारे में क्या राय है जो कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जितना लगता है कल की जो है वो डे वन की इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाने वाली जिसका जो कि किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, और आज तक किसी भी एक्टर की मूवी इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं करके दिखाई होगी। वैसे जो कि कलेक्शन आप कल की करके देखने को मिलेगी, क्योंकि कल की को पैन वर्ल्ड रिलीज किया जा रहा है, तो ये जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है कल की के अंदर। आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आपको क्या लगता है कल की कितने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है, कैसे जो कि यहाँ पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर परफॉर्म कर सकती है, कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। वैसे छोटी सी वीडियो थी कल की मूवी के बारे में, और अगर आप यहाँ पर कल की या फिर प्रभास अन्ना की किसी भी मूवी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर आपको हर एक अपडेट कल की के बारे में सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों।